हाई गाइज़ uh, आप जैसा कि जानते हैं मेरा नाम आकाश है बेसिकली एंड काफ़ी टाइम से हमने वीडियो बनाई नहीं है uh, करीब करीब अब uh, लास्ट uh, जो हमने वीडियो अपलोड करी थी वो जो मैंने चेक करी है वो हमने की थी दिसंबर ट्वेंटी सेवन टू थाउजेंड में उसके बाद से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है बट आज से हम uh, एक न्यू चीज़ शुरू करेंगे और आज से uh, आपसे हम बेसिकली uh, Uh, हमेशा सैटरडे संडे इवन अगर सैटरडे मेरे पास टाइम नहीं होगा तो हम संडे संडे uh, हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे स्टार्ट करेंगे और वीडियोज़ बनाएंगे ठीक है और यहाँ पर मैं एक अब से आ, मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं चलूँगा मैं सीधा एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अब से उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जैसे कि हम डॉकर वगैरह भी सेटअप करेंगे हो सकता है कि इन फ्यूचर हम उसमें इलास्टिक सर्च भी सेटअप करें हो सकता है कि हम उसमें चैंको चैनल्स भी लेके आएँ हो सकता है हम उसमें वेब सॉकेट्स भी लेके आएँ काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैं ब्रैडिस की भी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इलास्टिक सर्च की भी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मोंगो टी की भी बात कर रहा हूँ ठीक है इफ़ इन केस अगर हम आ, नोड वगैरह भी शुरू कर सकते हैं तो करेंगे ठीक है ओ तो ए वगैरह भी हम सेटअप करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन मुझे नहीं आती ठीक है बट मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें ठीक है तो ए वगैरह हम सेटअप करेंगे कफ कैसे हम उसको शुरू कर सकते हैं पोस्टमैन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते करते चलेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं प्रोजेक्ट हम क्या शुरू करने वाले हैं मैं आपको बता देता तो, हूँ प्रोजेक्ट हम एक बेसिक प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए जो कि हम बनाएंगे जेंगो पे पाइथन पे ठीक है और उसमें ज़्यादा कुछ अभी रहने नहीं वाला है अगर इन फ्यूचर अगर हम उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि हाँ इसमें हम ये चीज़ भी लगा के दिखाएँ या फिर ये चीज़ भी हो सकती है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो प्रोजेक्ट क्या रहेगा प्रोजेक्ट ये रहेगा कि हम एक पोर्टफोलियो टाइप मतलब कि हम अपना एक रिज्यूम बनाने वाले हैं उसको होस्ट कैसे करना है उसको चलाना कैसे है और उसको अगर हम सौ पे मतलब ए वगैरह पे अगर हम उसको सेटअप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे ये ऑल जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लेके चलने वाले हैं ठीक है बट वो रहेंगी आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस सीरीज़ में टेन वीडियोज़ में मैं इसको ख़त्म कर दूं हो सकता है कि मैं उसको पाँच वीडियोज़ में भी ख़त्म कर दूं तो अप टू डेट रहना मैं भी अप टू डेट रहूँगा मतलब अप टू डेट रहने का मतलब ये है कि मैं भी एक्टिव रहूँगा ठीक है मैं भी ये सारी चीज़ें बनाऊँगा अब शुरू करते हैं ज़्यादा इसको टाइम वेस्ट नहीं करते ठीक है तो यहाँ पर मेरा एटम खुला हुआ है जो कि मैं एटम यूज़ करता हूँ आपको पहले से पता है ये हमारी शेल है जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिसको पाइथन आता है बहुत अच्छी बात है जिसको पाइथन नहीं आता तो उसकी भी सीरीज़ हम बनाएंगे मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी बट बट बीच में हमने उसको स्टॉप कर दिया था ठीक है पहले मैं अपना पाइथन का वर्जन दिखा दूँ कि मैं पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो पाइथन का वर्जन मेरा यूज़ हो रहा है थ्री पॉइंट नाइन डॉट टू ओके पिप का भी वर्जन दिखा देते हैं तो पिप मेरा यूज़ हो रहा है थ्री पॉइंट नाइन पाइथन के साथ में जो कि मेरा पिप का वर्जन है ट्वेंटी डॉट थ्री डॉट वन ठीक है ओके तो जेंगो भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है जेंगो इंस्टॉल करना बहुत ईजी है ठीक है काफ़ी इजी है बहुत इजी है आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इवन मैंने भी काफ़ी पिछली वीडियोस में भी बता रखा है ठीक है सो बेसिकली यहाँ पर मैं अपना जेंगो का भी वर्जन दिखा देता हूँ वर्जन थ्री डॉट वन डॉट सेवन ये हमारा जेंगो का वर्जन रहेगा बट यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ पहले इंस्टॉल होंगी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ में प्रॉब्लम्स भी होंगी बट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम ये करने वाले हैं कि हम यहाँ पर एक वर्चुअल इन्वयमेंट बनाएंगे पाइथन का जिसमें हम अपना जेंगो का प्रोजेक्ट वगैरह सेटअप करते हुए चलेंगे जिसमें हमारे लिमिटेड लाइब्रेरीज रहेंगी इन फ्यूचर हम मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट रहेगा इसका मैं आपको पूरा का पूरा सोर्स कोड वगैरह भी अवेलेबल करवाऊँगा जो कि रहेगा किट पे राइट लेट्स स्टार्ट कि हम जेंगो में प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट जो कि हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है रिज्यूम तो रिज्यूम में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा माय माय रिज्यूम ही रख लेते हैं ठीक है प्रोजेक्ट का नाम रहेगा माय रिज्यूम ठीक है सिंपल है तो स्टार्ट प्रोजेक्ट ये हमने स्टार्ट किया ओके okay, सो so हमने एक चीज़ मिस कर दी जो कि मैंने आपको बोला था कि हम एक वर्चुअल एवर्मेंट में बनाएंगे लेट्स स्टार्ट हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम uh, वर्चुअल ई को यूज़ करते हैं सॉरी अगर बाहर से कुछ साउंड्स आ रही हो तो ठीक है आ, ओके सो so यहाँ पर मैं अपना एनवामेंट बना लेता हूँ जेंगो एल टी एस लेटेस्ट ठीक है ऐसे बना लेते हैं जेंगो लेटेस्ट वर्चुअल ई एन वी नहीं है ठीक है तो पेपरे इंस्टॉल और अपग्रेड वर्चुअल ई एन वी इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं ओके okay. अब यहाँ पर हम बनाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा इसको सोर्स करते हैं जेंगो एल टी एस बेन एक्टिवेट ये हमने एक्टिवेट किया इसमें जेंगो नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी फिलहाल के लिए तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं इफ़ इन केस अगर इंस्टॉल होता भी है तो हम उसको अपग्रेड भी कर देंगे ठीक है भैया तो यहाँ पर ये यह इंस्टॉल भी हो गया और अपग्रेड भी हो गया उसके साथ में जितनी जितनी भी डिपेंडेंसीज भी होंगी वो भी सारे की सारी इंस्टॉल हो गई ओके यहाँ पर मैं अपनी एक और अपने चैनल की एक चीज़ बता देता हूँ मेरी हमेशा से चीज़ यही रही है कि मैं कभी भी अपनी वीडियोस को पोस्ट नहीं करता हूँ ठीक है जो भी चीज़ होती है जो भी एरर्स आएंगे जो भी कुछ होगा आपके सामने आएगा ठीक है उस चीज़ को रिजॉल्व कैसे करना है वो भी आपके सामने पता चलेगा क्योंकि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही चीज़ आपको भी करनी है अगर मैं कुछ ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ तो आप उस चीज़ को पोस्ट करके या फिर अपनी वीडियो को स्लो कर सकते हैं सिंपल ठीक है शुरू करते हैं यहाँ पर हमने जेंगो इंस्टॉल कर लिया हमने वर्चुअल मोहामेंट भी बना लिया जेंगो इंस्टॉल नहीं किया जेंगो सॉरी हाँ इंस्टॉल कर लिया सॉरी ठीक है जेंगो भी इंस्टॉल कर लिया वर्चुअल मोहामेंट भी हमने एक्टिवेट कर लिया वो भी हमने बना लिया सब कुछ हो गया यहाँ पर हम पिप फ्रीज़ करके देख लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं जेंगो का है जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर हम जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है माय रिज्यूम, ये हमने बनाया रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें आई होंगी ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट नेम है और इसके अंदर जो हमें दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा इसको हम कैपिटल आर के थ्रू देख लेते हैं तो इसके अंदर जो है बेसिकली मैनेज डॉट पाए है माई रिज्यूम नाम से मेरी एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरे को सेटिंग्स वगैरह मिल रही होंगी ठीक है जो कि आप नीचे देख रहे हो ASGI, init and आई एनेट एंड और WSGI जो कि हमारे सबों को रन करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली ठीक है सो यहाँ पर हम हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर मेरे पास एक टेम्पलेट है मैंने पहले से डाउनलोड करके रख रखी है हम उसको पूरा का पूरा सीखेंगे कि अब हम उसको जैंगो पे शिफ्ट कैसे करें उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चैलेंजेस भी आएंगे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी स्टैटिक फाइल्स किस तरीके से दिखा सकते हैं हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे बाय डिफॉल्ट जो रहता है जेंगो के अंदर वो रहता है सिक्यूलाइट सिक्यूलाइट थ्री ठीक है यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं मेरे पास एटम है एटम uh, uh, में हम इसको ओपन कर लेते हैं ठीक है लेट्स वेट सेकंड इसमें हम जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आते हैं हमारे रिज्यूम के अंदर आते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया यहाँ पे ठीक है जिसमें हमारा मैनेजमेंट पाए है और ये है इसको हम रन करके देख लेते हैं रन कैसे करना होगा पाइथन मैनेज डॉट पाए अभी यहाँ पर मैनेज डॉट पाए है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हम उस वाले फोल्डर के अंदर नहीं हैं अच्छा उस फोल्डर के अंदर है यहाँ पर हमने एल करके देखा अब हम इसको रन करते हैं रन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं और मैं हमेशा से इन सिक्योर मोड पे ही इसको रन करता हूँ राइट हो सकता है कि टीबक फॉल्स हो उसके वजह से मेरी सी वगैरह लोड नहीं होती ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहती हैं इसके अंदर तो मैं इनसिक्यो इनसिक्योर पे इसको हमेशा रन सर्वर करके चलाता हूँ ओके बाय डिफ़ॉल्ट ये एट uh, थाउजेंड पोर्ट पर चल रहा है तो हम इसको आके देख लेते हैं यहाँ पे हमारे ब्राउज़र पे जो कि मैं इनको नोटो यूज़ कर रहा हूँ वो वो भी बता दूँ पहले ही तो ये हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट है जो कि अभी रन हो रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें पेज ये देखने के लिए मिलता है कूल cool? हो सकता है कि ये वीडियो को मैं ज़्यादा शॉर्ट रखूँ ओके हो सकता है कि आने वाले वीडियोज़ में हम पूरा का पूरा स्टार्ट कर दें बट मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि हम कौन से टेम्पलेट का यूज़ करने वाले हैं जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पहले बता दूँ ठीक है वो भी मैंने डाउनलोड वगैरह की थी कहीं से जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाउनलोड करी है उसका कोई चार्ज नहीं है ठीक है यहाँ पर आते हैं इसको हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं बेसिकली फिर से हम प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं यहाँ पर एल करके देखते हैं पाए जेंगू नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा है और इसके अंदर आते हैं यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी टेम्पलेट वगैरह यहाँ नहीं दिख रही है बट यहाँ पर थी एक फोल्डर जो मैंने टेम्पलेट्स के नाम से बना रखी है उसके अंदर मैंने एक आ, चीज़ रखी हुई है जो कि मैं अब यहीं पर ही कॉपी करूँगा उसको एम वी प्रोजेक्ट्स के अंदर इसके अंदर एंड माई रिज्यूम डॉट जेड वो भी हमने यहाँ पर डाल दी मतलब कि इसी प्रोजेक्ट के मेन रूट में ठीक ठीक है अब इसको हम अनजिप करते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ होगी आपके सामने होगी मैं पहले बता देता हूँ अच्छा अनजिप किया यहाँ पर एक फोल्डर आ गया मैं रिज़्यूम के नाम से जिसमें एम कैपिटल है और रिज्यूम भी कैपिटल है रिज्यूम का आर अब हमें क्या करना है यहाँ पे हम इस जिप वाले को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और इसको हम रीनेम कर देते हैं इसको हम रीनेम कर देते हैं वेब टैम्पलेट्स के नाम से जिसके अंदर हमारी वेब टैम्पलेट्स रहेंगी जिसमें इसने परमिशंस वगैरह कुछ लगा रखी होगी जो कि है ये कोई बात नहीं ठीक है इसके अंदर आते हैं एल करके देखा यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल रही है पी करते हैं लोकेशन हमारी ये है इसको हम चला के देखेंगे कि ये कैसी टेम्पलेट है बेसिकली इसके अंदर आए इंडक्स डॉट एस को हमने चलाया जो कि कुछ ऐसी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है बेसिकली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं ये ऐसा कुछ रिज्यूम है इसको हम मतलब जंगों पे शिफ्ट करेंगे इसके बाद में मेरे और बहुत सारे प्लान्स हैं ठीक है ठीके? आप लोगों के लिए मैं एक ई e कॉमर्स का पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ आपके लिए काफ़ी बड़ा रहेगा वो मैं पहले बता दूं काफ़ी बड़ा मतलब जिसमें हम इलास्टिक सर्च भी इंप्लीमेंट करेंगे जिसमें हम पूरा का पूरा एडमिन पैनल भी बनाएंगे हम पूरा का पूरा मतलब बहुत सारी चीज़ें इलास्टिक सर्च भी रखूँगा रेडीज भी रखूँगा काफ़ी सारी चीज़ें रखूँगा ठीक है तो आने वाले प्लान्स मेरे कुछ ऐसे हैं तो इस प्रोजेक्ट को मैं हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर दूँ तो ये कुछ टेम्पलेट है जो कि हम बनाने वाले जैंकों के थ्रू बाई डिफ़ॉल्ट अभी के लिए तो कुछ ऐसा ही है ठीक है अच्छा तो पहले मैं देख लेते हैं एक मिनट अच्छा सो so यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं अब हम क्या करने वाले हैं ये हमारी टेम्पलेट हो गई इस टेम्पलेट को हम इंटीग्रेट करेंगे अपने जेंगो के साथ में अच्छा सो so यहाँ पर आते हैं यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी टैम्पलेट है कूल cool. इसके अंदर से बाहर आते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं एम के डी आई आर के नाम से फोल्डर बनाया वैसे मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ डोंट वरी कोई बात नहीं मैं आपको शेल थोड़ा सा बता रहा हूँ अच्छा यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया टेम्पलेट्स के नाम से ठीक है अब इसके अंदर वेब टेम्पलेट्स के अंदर जितनी भी डॉट एस वाली फाइल्स हैं वो सारी के सारी मैं टेम्पलेट्स के अंदर डाल दूँगा ठीक है चली गई अब इसके अंदर देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं और एक तो चेंज लॉक डॉट टी एक्स टी पड़ा है रेडमी डॉट टी एक्स टी पड़ा है ये भी हमें नहीं चाहिए एसेट्स चाहिए हमें और फॉर्म्स चाहिए फॉर्म्स में पता नहीं मुझे क्या होगा मैंने चेक नहीं किया बट हम चेक कर लेते हैं कि क्या है इसके अंदर जो और ये ज़रूरी है भी या नहीं है मेरे को लगता नहीं कि ज़रूरी है ही हम पी एच पी कहीं पर भी यूज़ नहीं करने वाले और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है ओके okay, तो हमारे लिए ज़रूरी वाली चीज़ क्या है एसेट्स एसेट्स के अंदर हमें क्या आ, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जिसमें हमें हो सकता है जैसा स्क्रिप्ट की फ़ाइल्स मिले हो सकता है हमें इमेज़ फ़ाइल्स मिले हो सकता है हमें सेस की फ़ाइल्स भी मिल जाए जो कि हमारी सी की लाइब्रेरी होती है जिसमें हम ऑटोमेशनस को वगैरह कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं सी को अच्छा और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं हो सकता है हमें सी एस फाइल्स भी मिले बेसिकली कुछ भी हो सकता है एस एस के अंदर कुछ भी चीज़ हो सकती है ठीक है अच्छा सो इसको हमने कॉपी किया कॉपी करना है और हमें इसको कहाँ डालना है अपने इसी रूट वाले फोल्डर के यहाँ पे अच्छा तो हमने इसको एम किया इसके अंदर से हमने एसेट्स को उठाया और यहाँ पर इसको ले आए ठीक है अब हमें इस वेब वाले की भी ज़रूरत नहीं है कूल cool? अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको मेरे पास क्या क्या है टैंपलेट्स के अंदर में हमने कॉपी कर लिया ये सारी चीज़ें जिसके अंदर दो ही हमें एसटीमेंट्स मिली थी ओके एंड uh, इसके अंदर आते हैं एसेट्स के अंदर हमें क्या क्या मिला है वो भी देख लेते हैं इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं राइट right? अब हमें इसकी थोड़ी सी परमिशन चेंज कर लेते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं परमिशन भी चेंज नहीं करनी हमें कोई ज़रूरी नहीं है अच्छा तो इंडेक्स डॉट कुछ ऐसी है अब ये वाली टेम्पलेट कुछ ऐसी है अगर हम इसको चला के देखेंगे तो ये नहीं चलेगी क्योंकि इसके अंदर कुछ रूट पास पाथ वगैरह लिखे होंगे जो कि सीएसएस को रीड करे या फिर इमेजेस को रीड करे या फिर जेएस को रीड करे या फिर विंटर के अंदर में अगर कुछ है तो उसको रीड करे बट अभी तो पूरे का पूरा, पूरा स्ट्रक्चर ही पूरे का पूरा, पूरा अलग हो गया है जिसकी वजह से मेरी इंडक्स ड्रोट एच एम एल भी नहीं चलेगी जो कि मैंने आपको पहले चला के दिखा दी है वो पहले से लोडेड होगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कुछ ऐसी है ठीक है अब यहाँ पर हम आगे क्या करना है अब हम यहाँ पर आगे चैंगो के अंदर में यू वगैरह बनाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे ठीक है ये चीज़ हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से इतना काफ़ी है मेरे को लगता है कि इतना आप सेटअप करने के लिए चीज़ें कर सकते हो ये टेम्पलेट भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ ठीक है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वो टैम्पलेट भी आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कूल cool? डाउनलोड कीजिए इसको सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही लेके चलिए जैसा मैं लेके चल रहा हूँ राइट right? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ये पार्ट वन था और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि जेंगो वग़ैरह सीखना चाहता है या फिर आ, सीख रहा है बट वो बिगिनर है ठीक है उसको कोई प्रोजेक्ट चाहिए काम करने के लिए सीखने के लिए तो उसको बताइए कि यार ये वाली वीडियोस देखना शुरू करे राइट right? क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं करने वाला हूँ मैं सीधा कट टू कट चलूँगा और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स को फिनिश करेंगे सीधा कट टू कट मतलब एंड टू एंड आप ये बोल सकते हो सीधा चलेंगे इधर उधर नहीं करना है ज़्यादा हम चीज़ें नहीं बोलने वाले अब मैं आता हूँ पॉइंट के बाद जो कि हमारे चैनल के लिए <laughs> जो कि हर कोई बोलता ही है सब्सक्राइब करो इस वीडियो को लाइक like करो ठीक है एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस 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 वीडियो ऑफकोर्स एंड अगर कुछ फीडबैक्स हैं तो कमेंट में लिख दीजिए थैंक यू सो मच